जको बच्चो गयो पर उन्हें तो वापस नहीं ला सका, लेकिन सुख दुख री घड़ी में हमेशा पूरो क्षेत्र इन परिवार साथे खड़ो रही। और ये आप देख रहे हैं वीरांगना, वीरांगना की माँ दोनों। ये तस्वीरें मैं आपके साथ में साउथ का कुआ गांव, जो सुखराम तर्ड शहीद सिपाही का गांव है, और उनकी पार्थिव देह को यहां पर लाया जा रहा है। परिवार के उस दुख की घड़ी में भगवान इन परिवार को सबल, और 8 महीने पहले इनके सुखराम तर्ड का पिता का साया उठ गया था। और ये आप देख रहे हैं वीरांगना, वीरांगना की माँ दोनों विलाप करते हुए बिलखते हुए अपने जो वीरांगना के पति का यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा, अंतिम यहाँ पर अंत्येष्टि की जाएगी। और साथ ही इनकी माँ और इनकी धर्मपत्नी देखिए किस तरीके से विलाप कर रही है। दूसरी तरफ जरूर हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमें गर्व की बात है, सेना में थे और देश को समर्पित हो गए, लेकिन इस परिवार के ऊपर कितना कष्ट पड़ा है देखिए। ये परिवार विराम किया जाएगा। सेना के वरिष्ठ अधिकारी महोदय द्वारा रिंग सेरेमनी की जाएगी, तत्पश्चात प्रशासन एवं जिला सैनिक कार्यालय की तरफ से इनको रीत रिंग होगी, तत्पश्चात जनप्रतिनिधि महोदय एवं सभी इनका रीत लगाकर सेरेमनी करेंगे। ये लगातार वीरांगना के द्वारा देखिए नारे लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। जरूर हमें गर्व होता है जब देश का सैनिक देश की सेवा में समर्पित रहते हैं और देश की सेवा में काम आते हैं, लेकिन जब परिवार के अंदर ये दुख पड़ता है तो ये परिवार ही जानता है। मैं तो कहता हूँ जितने भी समाज के सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, समाज के लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से ये आज देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए, इसी तरह हमेशा इस परिवार के साथ में ये लोग सब खड़े रहेंगे। ये तस्वीरें मैं आपके साथ में साउथ का कुआ गांव, जो सुखराम तर्ड शहीद सिपाही का गाँव है, और उनकी पार्थिव देह को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ से शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। Thank you.
अरे नहीं आवे सर भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब फौजिया के लिए कोई किसी तरह का मतलब मामला नहीं है, जिसके अंदर नहीं मिलता हो। अब वो मतलब बेशक है वो शहीद का दर्जा। ये लोग उसी गमगीन माहौल के अंदर है, तो मैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और परिवार से निवेदन करता हूँ को अनुस रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। सुखराम शहीद ने हमारी तरफ हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करूँ और मैं हमारी तरफ हूँ सबने वही संदेश देनी चाहूँ कि जको बच्चों गयो पर उन्हें तो वापस नहीं ला सका, लेकिन सुख दुख री घड़ी में हमेशा पूरा क्षेत्र इन परिवार साथे खड़ो रही, चाहे किणी तरह की कोई भी बात आई तो हमेशा इन परिवार में सब लोग साथे खड़ा हाँ। तो मैं शहीद श्री सुखराम जी चौधरी ने श्रद्धांजलि देनी चाहूँ, हाथ जोड़ और प्रणाम कर। आपके क्षेत्र में सुखराम तरडे ये एक और देश की सेवा में समर्पित। मेरे को परसों एक खबर लगे थे। अच्छा परसों लग गए। हाँ सर। तो आप यहाँ कब आ गए थे? मैं सुबह 9 बजे आ गया था। अच्छा सुबह 9 बजे आ गए थे। हाँ सर। और जो देश की सेवा में जाते हैं, देश की सेवा के लिए शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए और आप क्या कहना चाहोगे कि देश की सेवा अनमोल है, ये बलिदान का दिवस हमेशा याद रखा जाए। हमारे रगों में यही खून भरा हुआ है साहब, सब खुद देश की सेवा करना।